He's a good fan. They can't get that. बहुत ही शानदार कंफर्टेबल हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग की गोरखपुर से। फिलहाल हम बाइक से ही गोरखपुर तक की जर्नी पूरी करेंगे। हमारे घर से गोरखपुर लगभग 100 किलोमीटर है और जिसको तय करने में हमें 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। और देखते हैं रास्ते में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं गोरखपुर। हाँ भाई, हम लोग आ गए हैं। ये फूड कॉर्नर USPF फूड कॉर्नर है, यहाँ पे आए हुए हैं और गाड़ी चलाते चलाते कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या क्या गर्म गर्म मिल जाए और फिर चलते हैं गोरखपुर। कुछ ऐसा है रेस्टोरेंट। फिलहाल हम लोग आए हैं, ये छोले समोसे की दुकान है जो पुरानी वाली। हम चौरी चौरा से 2 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं और यहाँ के छोले समोसे बहुत ही फेमस है क्योंकि इसके ऊपर टॉपिंग पे आपको लहसुन दिया जाएगा पूरा खड़ा। चलिए ट्राई करते हैं। कंप्लीट कर लिए और अब चलते हैं हम गोरखपुर। A few moments later. चलिए शुरू करते हैं एक और नई बस जर्नी गोरखपुर की इलेक्ट्रिक बस की। और ये बस कुछ ऐसा दिखता है, आपको आगे भी दरवाज़ा मिल जाएगा और एक बीच में दरवाज़ा मिल जाएगा। ये बस 100% इलेक्ट्रिक बस है और फुल्ली AC है। बात करें बस के इंटीरियर की तो ड्राइवर केबिन से शुरुआत करते हैं। यहाँ CCTV कैमरा का फुटेज और कुछ बटन है जो ड्राइवर साहब ऑपरेट करते हैं पूरे बस को। और सीट 2x2 के कॉम्बिनेशन में है। पीछे वाले रो पे 5 सीट और CCTV कैमरा पूरे बस में लगा हुआ है। बस के सीट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है। बात करें पूरे बस के ओवरव्यू की तो बहुत ही अच्छी प्रकार से अरेंज किया गया है। हर सीट पर इमरजेंसी बटन और USB टाइप केबल चार्जर और साथ में विंडो के ऊपर स्पीकर भी दिया गया है। बात करें बस के किराए की तो इसका न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम किराया 37 रुपये है। फिलहाल हम लोग कोड़ाघाट से बोर्ड किए हुए हैं और यातायात राह तक जाएंगे और इसका दूरी 5 किलोमीटर है और इसको जाने में मतलब 11 रुपये किराया लगा हुआ है। इससे सीट बहुत ही कम्फर्टेबल है, आप देख ही सकते हैं। हम एयरपोर्ट से श्याम नगर वाली रूट पर बैठे हुए हैं और इस रूट में कुल 18 स्टॉपेज है इस बस के। पीछे आइए।
आप बस में चढ़ने के लिए पीछे वाले दरवाजे का प्रयोग कर सकते हैं और उतरने के लिए ड्राइवर के पास वाले दरवाजे से नीचे उतर सकते हैं। और बस फुल्ली ऑटोमेटिक है और जिसका सारा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में रहता है। फिलहाल ये बस चल रही है और आप देख सकते हैं बाहर के नज़ारे बहुत ही शानदार कंफर्टेबल। क्या नहीं चल रहा है क्या कि इतनी स्मूथ बस है, आप एंजॉय कर सकते हैं इस जर्नी को। फिलहाल ये है और बाहर दुर्गा पूजा का पंडाल भी लगा हुआ है क्योंकि नवरात्रि का समय है। अब हमारी बस ओरियन मॉल को क्रॉस कर रही है। आप मेरे पीछे ओरियन मॉल को देख सकते हैं। बात करें बस की जर्नी की तो बहुत ही अच्छी लग रही है बस जर्नी, और किराए की बात करें वह सबसे अच्छा है। गोरखपुर की इलेक्ट्रिक बस की जर्नी थोड़ा सा ब्रेकर आ गया, इसलिए अप एंड डाउन में हो गया। बस की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप गोरखपुर से हैं तो आप इलेक्ट्रिक बस को चुनिए क्योंकि इससे आपका किराया और समय दोनों ही बच जाएंगे। भाई आप लोग को बस की जर्नी कैसी लग रही है, ऋषि बताएंगे। एक नंबर लग रहा है, एसी भी चल रहा है इसमें। और आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रिक बस बहुत ही अच्छी है गोरखपुर के विकास के लिए, और साथ ही गोरखपुर में जो भी प्रदूषण होगा उसको पूर्णतः खत्म करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे ऋषि? हाँ, इस बस में बैठने का मेरा बचपन से सपना था और आज हम इसमें बैठ के मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू योगी। बस की जर्नी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉइंट आ गया तो अब हमें उतरना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं दिखा सका, जितना हो सका मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाया। अब हमारा डेस्टिनेशन यातायात तिराहा आ गया है, इसलिए अब हमें अपने बस को बाय करना होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।